और चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं भोपाल का, जहां पर बीजेपी कार्यालय में नंद कुमार सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। अपनी छोटी सी दुनिया में जनसेवा करना है, पार्टी की सेवा करना है। इस राह पर चलते चलते वक्त ने करवट ली। शिवराज जी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने और उन्होंने महामंत्री के रूप में मुझे मध्य प्रदेश के टीम में शामिल किया। आप मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद जटिया जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे। महामंत्री के रूप में मैंने उनके साथ भी निष्ठा और लगन से काम किया। बाद में नरेंद्र सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष बने। उनके साथ भी महामंत्री के रूप में मैंने अपने संगठन की जिम्मेदारी का निर्वहन किया। बाद में प्रभात झा जी बने। उनके साथ भी मैंने प्रदेश महामंत्री के पद का निर्वहन किया। बाद में नरेंद्र सिंह जी पुनः प्रदेश अध्यक्ष बने। उनके साथ भी मैंने महामंत्री के रूप में संगठन की और कार्यकर्ताओं की सेवा की। आज जो पद मुझे दिया गया है, ये वैभव का पद नहीं है, ये कार्यकर्ताओं के कंधे से कंधा लगाकर परिश्रम का पद है। और मैं मेरे कार्यकर्ता भाई बहनों के साथ पूरे प्रदेश में संगठन के माध्यम से हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। हमारे संगठन की परंपरा यहां पर ठाकरे जी ने जो स्थापित की है, सामूहिक नेतृत्व की। शिवराज जी दीदी, मैं आपको वचन देता हूं कि यह मंच जो प्रदेश का नेतृत्व है, यह कार्यकर्ता जो मेरे पार्टी का प्राण है, जान है, दौलत है, संपत्ति है, हम सबको साथ लेके चलेंगे। और प्रदेश में यह स्थापित करके दिखा देंगे कि कई जिस्म मगर एक जान है। हम कई जिस्म मगर एक जान है। आपके भरोसे को मुख्यमंत्री जी टूटने नहीं देंगे। यह मध्य प्रदेश का राजनीतिक इतिहास साक्षी है। आज इस मंच पर बैठे हुए लोगों के सामने, नेतृत्व के सामने, मैं मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों से एक ही आग्रह करूंगा। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, 2018 माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चौथी बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के मिशन में मेरा एक एक भाई, एक एक बहन लग के काम करे। भाइयों बहनों, राजनीति में जब हम प्रतिपक्ष में काम करते हैं तब हमारी भूमिका अलग होती है। उस समय में एक ही काम होता है, सत्ता पक्ष की कमियों को उघाड़ो, उसका पोस्टमार्टम करो और जन समर्थन हमारे पक्ष में करो। जब हम सत्ता में होते हैं, और आज प्रदेश में भी हमारी सत्ता है, मुख्यमंत्री शिवराज जी है, केंद्र में भी हमारी सत्ता है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, मैं मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों से कहना चाहूंगा कि हम सत्ता में रहते हुए आज मध्य प्रदेश में काम करने में हमारे सरकार के द्वारा जो कीर्तिमान मध्य प्रदेश में स्थापित किए हैं, उस बल पर हमको काम करने की बहुत अनुकूलता है, बहुत अनुकूलता है। कहीं से कहीं तक जनता के बीच हमारा सर झुकेगा नहीं, इतने काम हमारी सरकार ने किए हैं। काम के मामले में हमारी सरकार हिंदुस्तान में बेजोड़ और बेतोड़ है। मध्य प्रदेश का जो कायाकल्प हुआ है उसके गवाह आप सब लोग हैं। वो कहानियां कहने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के समग्र जनता का जो विकास
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार ने किया है, किसान वर्ग के लिए, गरीबों के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, हिंदुस्तान में जहां जहां जितनी सरकारें हो, चाहे हमारे दल की हो या और कोई दल की हो, उसमें हमारा मध्य प्रदेश सबसे अव्वल है, सबसे बेजोड़ है। ये आज मुझे यहां कहने में कोई संकोच नहीं है। हमारे इन सब कामों को हम गतिशीलता के साथ, अपनत्व के भाव से जनता के बीच जाकर हमारे उपलब्धियों के साथ हम पहुंचेंगे और आने वाले राजनीतिक परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जिस परिवार का आज मैं मुखिया बना हूं, भाइयों बहनों आप बैठे हैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं ईश्वर की सौगंध खा के कह रहा हूं, 35 साल हो गए मुझे सार्वजनिक जीवन में, मैंने दुनिया देखी है और राजनीतिक दलों को भी करीब से देखा है, सबका अध्ययन किया है, सबको टटोला है, देखा है, जांचा है, उनके भीतर बाहर की कहानियां समझी है, कहानियां पढ़ी है। मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं, इस हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के समान कार्यकर्ता किसी पार्टी में नहीं है, किसी दल में नहीं है। और यही कार्यकर्ता हमारी ताकत है, यही हमारी पूंजी है, यही हमारी शक्ति है। इस शक्ति को जगाते हुए सबका साथ और भाजपा का विकास, यह हमारा मूल मंत्र रहेगा। सबको साथ लेते हुए आने वाले सभी राजनीतिक चुनौतियों का हम मुकाबला करेंगे और सरकार और संगठन ये दोनों एक रथ के दो पहिए हैं। मुख्यमंत्री जी आप सरकार चलाएं आपके मंत्रिमंडल के साथ, सरकार के साथ आपको संगठन खड़ा मिलेगा और हमारे सरकार की उपलब्धियों के माध्यम से जनमानस को हम हमारे पक्ष में करने के लिए ये भाजपा की फौज दिन और रात परिश्रम करके 2016 के विधानसभा के चुनाव में आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे और 2019 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बने, इसलिए मध्य प्रदेश की भागीदारी भी, प्रभावी भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे। जो जिम्मेदारी आप सब लोगों ने विश्वास करके मुझे सौंपी है, मैं वचन देता हूं कि आपके भरोसे और विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा, टूटने नहीं दूंगा। ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।